सो गाइस फ्री गन स्किन, फ्री बंडल, फ्री इमोट, फ्री ग्लोबल स्किन और भी काफी सारी अमेजिंग अमेजिंग से रिवार्ड्स आप लोग को हमारे दिवाली इवेंट के पीक डे को क्लेम करने के लिए दे जाएंगे। तो आज की वीडियो में आप लोग को बताऊं हमारे दिवाली इवेंट के पीक डे सेलिब्रेशन इवेंट के बारे में। काफी सारे आप लोग को सरप्राइजेस इवेंट देखने को मिलने वाले। साथ ही हम लोग बात करेंगे टू नाइट अपडेट के बारे में, यानी कि आज 12 बजे तक आप लोग हमारे गेम में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे व्हाइट एंजेलिक पेन, न्यू मोको स्टोर इवेंट, इलेक्ट पास डिस्काउंट इवेंट और काफी सारे नए अपकमिंग इवेंट्स के बारे में जो कि हमारे इंडिया से आप लोग देखने को मिलने वाले। आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होगी, सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि गाइस अगर आप लोग वीडियो को जरा भी स्किप करते हो तो काफी सारी अपडेट्स मिस कर दोगे। एंड गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से हमेशा तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहने वाली है, अगर आप लोग को आज की हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि मैं आप लोग के लिए हमेशा इसी तरह गन्ने प्रकार की छोटी से छोटी अपडेट वीडियो लेकर आता रहता हूं। सो गाइस अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो बिना किसी देरी के हम लोग जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमेशा की तरह बात कर लेते हैं सबसे पहले आप लोग की 2 नाइट अपडेट के बारे में, यानी कि 12 बजे आप लोग को कौन सा नया इवेंट देखने को मिलने वाला है। तो गाइस आप लोग को तो पता ही होगा, वैसे कैलेंडर देखकर आप लोग को तो पता लग ही गया होगा, आज रात 12 बजे बाद हमारे इंडियन सर्वर देखने को मिलेगा एक लाइट रोल, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और इस वाले लाइट रोल में गाइस आप लोग हमारे 3 रिवार्ड्स देखने को मिल जाता है, जैसे कि भाई आप लोग हमारी एक न्यू फिस्ट की स्क्रीन देखने को मिल जाती है, एक आप लोग को मेल वाला बटन देखने को मिल जाएगा जो कि भाई बिल्कुल क्रिस के थीम पर डिजाइन किया गया। साथ ही गाइस आप लोग हमारे गोल्डन टाइगर की थीम पर एक स्कार्फ की स्क्रीन भी देखने को मिल जाती है। तो गाइस देखो वैसे तो इस वाले लाइट रोल के लिए यही सब रिवार्ड्स निकल कर आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि एक दो रिवार्ड्स इधर उधर हो जाए। आप लोग को तो पता है जब भी लक रॉयल आता है तो भाई थोड़े बहुत रिवार्ड चेंज हो जाते हैं, लेकिन मेन रिवार्ड्स गाइस आप लोग को यही सब कुछ देखने को मिलेंगे। बट गाइस इस लक रॉयल में करने वाले आप लोग का दबा हुआ काटने वाला, क्योंकि यार यहाँ पे अगर हम लोग स्पिन को देखे तो 50 डायमंड में सिर्फ और सिर्फ एक स्पिन हो रहा है। एंड गाइस अगर आप लोग 10+1 स्पिन करते हो तो टोटल आप लोग को यहाँ पे 500 डायमंड देने पड़ेंगे। अब देखो गाइस अगर आप लोग का लक बहुत ज्यादा अच्छा हुआ तो हो सकता है कि भाई एक दो स्पिन में आप लोग कोई भी मेन रिवार्ड मिल जाए, लेकिन अगर आप लोग का लक बेकार हुआ तो भाई आप लोग के सारे टोकन कलेक्ट करके इनको एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो गाइस ये जो लक रॉयल आप लोग को आज 12 बजे हमारे इंडिया सर पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते बात की आप लोग की न्यू मोको स्टोर इवेंट के बारे में, बहुत टाइम हो चुका है हमारे इंडिया सर पर कोई भी मोको स्टोर इवेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो गाइस जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आप लोग के लिए न्यू मोको स्टोर इवेंट निकल लगकर आ चुका है, जिसमें गाइस आप लोग हमारे बॉयडे 3.0 इवेंट का न्यू प्रोफाइल एनिमेशन देखने को मिल जाता है। साथ ही गाइस 2-3 रिवार्ड्स आप लोग को यहाँ पे ऐसे देखने को मिल जाता है जो कि अब तक हमारे इंडिया सर पर डाले नहीं गए, जैसे गाइस आप लोग का एक मेल का बंडल सेकंड नंबर पे जो देखने को मिल रहा है वो नहीं है, एंड एक आप लोग को वेक्ट्री की गन स्किन भी हाइपर कोर वाली अब तक इंडियन सर पर शायद से देखने को नहीं मिली है। लेकिन गाइस वहीं पे बात करें आप लोग के बोनस रिवार्ड्स के बारे में, तो गाइस यहाँ पे आप लोग को एक हमारे बॉयडे 3.0 इवेंट की ग्लोरी सीन देखने को मिल जाती है और साथ ही आप लोग को पिकअप ट्रक की स्किन और काफी सारे रिवार्ड्स देखने को मिल जाते हैं। तो हो सकता है गाइस आप लोग हमारे इंडिया सर पर कुछ इस टाइप का मोको स्टोर इवेंट बॉयडे 3.0 इवेंट देखने को मिल जाए। बाकी अभी आप लोग के बॉयडे 3.0 इवेंट के लिए अभी तक कोई भी कंफर्म अपडेट निकल कर नहीं आ रही है, पता नहीं गाइस कब देखने को मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि दिवाली इवेंट के बाद हमारे इंडिया सर पर बॉयडे 3.0 इवेंट स्टार्ट कर दिया जाए। इसके बाद गाइस बात करें आप लोग के व्हाइट एंजेलिक पेंट के बारे में, तो गाइस आप लोग को पता है रेड एंजेलिक पेंट भी अभी हमारे इंडिया सर पर डाल दी गई, लेकिन गाइस बहुत टाइम बाद आप लोग को देखने को मिली, बाकी सर पर तो बहुत टाइम पहले ही देखने को मिल चुकी थी। पर गाइस आप लोग को पता है व्हाइट एंजेलिक पेंट भी हमारे इंडिया सर पर आने वाली, आप लोग यहाँ पे देख सकते कुछ इस तरीके की लीक्स निकल कर आ रही है, वे आप लोग को बहुत ही जल्दी हमारे टोकन टावर इवेंट में व्हाइट एंजेलिक पेंट देखने को मिलेगी। और गाइस इस इवेंट में तो 22 तारीख डेट दे रखी है, लेकिन गाइस मैं आप लोग को बता दूं बाहर के सरों के लिए हमारे इंडिया सर पर तो गाइस हो सकता है कि भाई आप लोग को नेक्स्ट मंथ तक देखने को मिल जाए टोकन टावर इवेंट में। अभी तक ऐसी कोई कंफर्म अपडेट तो निकल कर नहीं आ रही है, लेकिन गाइस बाहर के सर पर अभी ये देखने को मिलने लगी है, तो हो सकता है हमारे इंडिया सर पर आप लोग को कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाए। इसके बाद गाइस बात करें आप लोग की नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आप लोग एक न्यू फेडरल बिल इवेंट के लिए निकल कर आ चुके, आप लोग यहाँ पर देख सकते कुछ इस तरीके का आप लोग के लिए न्यू फेडरल बिल इवेंट निकल कर आ चुका है। एंड गाइस इस फेडरल बिल इवेंट में आप लोग हमारे एक तो इमोट देखने को मिल जाता है, आप लोग को पता ही होगा कि भाई स्क्वाड बिल्ड इवेंट के टाइम आप लोग को इस तरीके का इमोट देखने को मिला था, और साथ ही गाइस यहाँ पे एक मेल के बंडल को भी डाला गया जो कि अभी तक हमारे इंडिया सर पर नहीं आया, आए हुए काफी टाइम हो चुका है, शायद OB34 का ये बंडल है, लेकिन अभी तक हमारे इंडिया सर पर देखने को नहीं मिला है। तो हो सकता है गाइस आने वाले कुछ दिनों में इस तरीके का फेडरल बिल इवेंट आप लोग हमारे इंडिया सर पर देखने को मिल जाए, क्योंकि ये वाला फेडरल इवेंट हमारे सिंगापुर सर पर देखने को मिला है। कभी कभी क्या होता है कि सिंगापुर सर के काफी सारे इवेंट्स हमारे इंडिया सर पर देखने को मिल जाते हैं, तो काफी जल्द चांसेस है इस तरीके के फेडरल बिल इवेंट के हमारे इंडिया सर पर आने के। आप लोग को पता है स्क्वाड बिल्ड के काफी सारे रिवार्ड्स करने वाले हम लोग को रिटर्न में देते रहते हैं, तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि आप लोग को रिटर्न में देखने को मिल जाए हमारे ये इमोट। इसके बाद हम लोग बात करें आप लोग के दिवाली इवेंट के पीक डे सेलिब्रेशन इवेंट के बारे में, और भी कुछ न्यू इवेंट्स आप लोग के लिए निकल कर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरी वीडियो पे बने और आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि आप लोग हमेशा इसी तरह फिर फायर के एक छोटी छोटी अपडेट की वीडियो मिलती रहेंगे, आप लोग आने वाली कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाओगे, इसलिए याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। इसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते बात की आप लोग नेक्स्ट अपडेट करें, जो कि आप लोग की न्यू डायमंड डोर इवेंट के लिए निकल कर आ रही है, यानी कि एक वेब इवेंट के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते कुछ इस तरीके का आप लोग को इवेंट देखने को मिल जाता है। इसमें आप लोग हमारी एक हिल स्टोन फिस्ट दी गई है, एक भाई आप लोग को बैकपैक स्किन देखने को मिल जाता है, एंड एक आप लोग को बंडल देखने को मिल जाता है। आप लोग को पता है हमारे इंडिया सर पर इस तरीके का इवेंट बहुत ही कम देखने को मिलता है, या शायद अभी तक आया ही नहीं है। करने वाले ये इवेंट डिजाइन कर रहे हैं और बाहर के कुछ सर पर देखने को मिलने लगा है इस तरीके का इवेंट, तो हमारे इंडिया सर पर आप लोग को हो सकता है बहुत जल्दी देखने को मिल जाए। बाकी इसके अलावा आप लोग को और कुछ रिवार्ड्स भी देखने को मिल जाएंगे, यार इसमें रिवार्ड्स चेंज हो सकते हैं। इसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते बात की आप लोग नेक्स्ट अपडेट करें, जो कि आप लोग एक और न्यू फेडरल बिल इवेंट
अपडेट के लिए निकल कर आ रही है। तो गाइस आप लोग को पता है हमारे इंटरेस्ट सर्वर विजन गन की स्किन वेपरल में दी गई है, तो इसी के थीम पर गाइस आप लोग के लिए एक न्यू फेडरेबल इवेंट निकल कर आ चुका है। आप लोग यहां पर देख सकते हो कुछ इस तरीके का आप लोग को फेडरेबल इवेंट देखने को मिलेगा बहुत ही जल्दी। इसमें आप लोग हमारे एक ओपी से मेल का बना देखने को मिल जाता है। एंड गाइस एनिमेशन इसमें बहुत ही शानदार से देखने को मिल रहा है, मतलब यार AWM के ऊपर पीछे से बैठ के आता है, तो काफी ज्यादा खतरनाक एंट्री दी गई। साथ ही गाइस यहां पर आप लोग हमारे एक टेंपो की स्किन देखने को मिल जाएगी, जो कि यार सेम टू सेम आप लोग को विजन गन के थीम पर ही देखने को मिल रहा है दोनों रिवार्ड्स। एंड यार टेंपो की स्किन में भी अच्छा खासा आप लोग को एनिमेशन देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये जो फेडरेबल इवेंट आप लोग हमारे इंडियन सर्वर बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा, मतलब गाइस विजन गन के जाने से पहले पहले आप लोग ये वाला फेडरेबल इवेंट एंड ये बंडल हमारे इंडियन सर्वर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद गाइस बात करें आप लोग नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो गाइस आप में से बहुत ज्यादा बंदों के कमेंट्स आ रहे थे मन्नू भाई ये 22 से लेकर 23 तारीख को हमें क्या सरप्राइज इवेंट देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए। तो गाइस आप लोग को पता है इस तरीके का इवेंट तो भाई आप लोग एक दिन के लिए वही देखने को मिलता है जिसमें भाई आप लोग को डिस्काउंट दिया जाता है, या नहीं गाइस आप लोग को किसी ना किसी चीज पर ऑफ देखने को मिलेगा, जैसे कि भाई आप लोग को स्टोर पे 50% ऑफ देखने को मिल जाए, या गाइस आप लोग को गिफ्ट स्टोर पे 50% ऑफ देखने को मिलेगा, ये जो कि भाई सिर्फ और सिर्फ वन डे सेल होगी। स्टोर पे 50% ऑफ आने के बहुत ही कम चांसेस है, क्योंकि आप लोग को पता है करने वाले एक एक चीज पर आप लोग को 50% ऑफ दे रहे हैं, कभी गन स्किन पर दे देते हैं, कभी बंडल्स पर दे देते हैं, कभी इमोट पे 50% ऑफ देखने को मिल जाता है। तो स्टोर में करने वाले आप लोग को एक एक चीज पर 50% ऑफ दे रहे हैं, लेकिन गाइस गिफ्ट स्टोर में आप लोग को सिर्फ और सिर्फ वन डे सेल देखने को मिलेगी, जो कि भाई आप लोग को 22 तारीख को देखने को मिल जाएगी। इसके बाद गाइस बात करें आप लोग के पीक डे सेलिब्रेशन इवेंट के बारे में, तो गाइस आप लोग यहां पर देख सकते हो 24 अक्टूबर की यहां पे हाइलाइट्स निकल कर आ चुके हैं। सबसे पहले गाइस आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में मैजिक क्यूब क्लेम करने को मिल जाएगा, दूसरे नंबर पर गाइस यहां पे आप लोग को लॉगिन रिवार्ड में कुछ ना कुछ क्लेम करने को मिलेगा। अब मैंने देखा नहीं है क्या क्लेम करने को मिलने वाला है, लेकिन शायद आप लोग को कैलेंडर पे दे रखा होगा या भाई कुछ ना कुछ तो आप लोग को दिया जाएगा। इसके अलावा 4 घंटे का आप लोग को अलग से मिशन देखने को मिल जाएगा, एंड 4 घंटे का मिशन भाई कुछ तो मिशन देंगे करने वाले, आप लोग को खेल के कंप्लीट करना पड़ेगा, एंड उनके बदले में गाइस आप लोग कुछ एक्साइटिंग से रिवार्ड्स एक्सचेंज कर पाओगे, जैसे भाई गन स्किन हो सकते हैं, इमोट हो सकते हैं, बंडल हो सकते हैं, कुछ भी रिवार्ड्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग को 4 घंटे का चैलेंज देखने को मिलेगा। और यही नहीं गाइस आप लोग को प्ले टाइम रिवार्ड्स भी एक्सचेंज करने को मिलेंगे, मतलब गाइस आप लोग को गेम खेलना है और कुछ रिवार्ड्स एक्सचेंज करने होंगे, हो सकता है कि कुछ टोकन वगैरह कलेक्ट करने हो, बट यहाँ पे 24 अक्टूबर की सारी हाइलाइट्स निकल कर आ चुके हैं, जो कि भाई आप लोग को 24 अक्टूबर को देखने को मिल जाएंगे, मतलब यार बहुत सारे एक्साइटिंग से रिवार्ड्स आप लोग को 24 अक्टूबर को क्लेम करने के लिए दिए जाएंगे। बात करते हैं आप लोग के कुछ कमेंट्स के बारे में, सबसे पहले ऑफिशियल नानो ने कमेंट किया मन्नू भाई एलीट पास ऑफर कब देखने को मिलेगा, तो मैं आप लोग को बता दूं 27 तारीख को हमारे इंडिया सब एलीट पास ऑफर हाइड आउट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि भाई आप लोग को हर मंथ के एंड तक देखने को मिलता है, तो इस बार भी आप लोग एलीट पास में ऑफर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे इरफान गेमिंग FF ने किया है कि मन्नू भाई पंपकिन एक्समेट कब तक हमें रिटर्न में देखने को मिलेगी, तो आप लोग को बता दूं 31 तारीख को हेलोवीन पड़ेगा, तो हो सकता है दिवाली इवेंट के जस्ट बाद हमारे इंडिया सब हेलोवीन इवेंट स्टार्ट हो जाए। अगर हेलोवीन इवेंट स्टार्ट किया जाता है भाई आप लोग को पंपकिन एक्समेट हमारे इंडिया सब पर देखने को मिल जाएगी, बाकी बांग्लादेश सर पर बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे हेलोवीन इवेंट आ रहा है। तो नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे बीडी सर की तरफ से निकल कर आ रहे हैं मन्नू भाई इंक्यूबेटर रॉयल में बीडी सर पर क्या देखने को मिलेगा, तो गाइस आप लोग को बता दूं इंक्यूबेटर रॉयल में बीडी सर पर अभी तो थॉमसन का इंक्यूबेटर देखने को मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है उसके बाद आप लोग कोई और इंक्यूबेटर रिटर्न देखने को मिल जाए, अभी ऐसी कोई कंफर्म अपडेट तो निकल कर नहीं आई है। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं मन्नू भाई बर्थडे बंडल कब तक हमें रिटर्न देखने को मिलने वाला है, तो गाइस आप लोग को बता दूं अभी तक हमारे इंडिया सर के लिए ऐसी कोई भी कंफर्म अपडेट निकल कर नहीं आ रही है कि हमारे इंडिया सर बर्थडे इवेंट कब स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन गाइस तभी आप लोग हमारे इंडिया सर बर्थडे इवेंट के चलते बर्थडे बंडल भी देखने को मिल जाएगा, जो कि भाई आप लोगों को हमेशा तरह टोकन टावर इवेंट में नजर आने वाला है। तो गाइस आज तो मैं इन्हीं कमेंट्स का रिप्लाई कर पाया, अगर आप लोगों को भी कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, सभी के कमेंट्स का तो मैं पिक नहीं कर पाता हूं, लेकिन गाइस जो कुछ कॉमन कमेंट होते हैं उन सबका मैं रिप्लाई जरूर से करता हूं। तो होप करता हूं कि आज की आप लोग को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।